बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। मैं हूँ अली कामरान काजमी। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। दोस्तों, मेरी तरफ से आपको बहुत बहुत ईद की मुबारकबाद। उम्मीद है कि आप सब घरों पे ईद को एंजॉय कर रहे होंगे फैमिली के साथ। आज जो मैं आप लोगों को अपडेट दे रहा हूँ, ये एहसास लेबर प्रोग्राम की है। ये अपडेट मैंने आज देनी नहीं थी, क्योंकि मैंने यही सोचा था कि सब लोग ईद की जो अपने मसरूफियात होती हैं उसमें बिजी होंगे, लेकिन अनफॉर्चुनेटली अपडेट कुछ इस तरह की है कि वो देनी ज़रूरी हो गई है, क्योंकि गवर्नमेंट ने अब से 11 घंटे पहले अपने पेज के ऊपर ये अपडेशन दी है। तो मुझे एक दोस्त ने अपने आज एहसास लेबर प्रोग्राम के अंदर अपने आप को रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए कुछ अपना डेटा दिया था, तो जब मैं उसके पोर्टल के ऊपर गया हूँ तो पोर्टल टाइम ले रहा है। तो मैंने ये सोचा कि यार ये जो इन्फॉर्मेशन आई है ये अभी डेट आप लोगों को बता दूं, ताकि जो दोस्त मेरे अप्लाई करने वाले हैं वो इसमें अप्लाई कर दें, कहीं ऐसा ना हो कि टाइम गुजर जाए, क्योंकि पोर्टल टाइम ले रहा है, फिर आप लोग कहीं ऐसा ना हो कि बाद में पछताएं। अभी मेरे कुछ दोस्त शायद मुझ पर एतराज भी करें कि अली भाई यार हमें तो एहसास कैश के अंदर से ही पैसे नहीं मिले थे, तो हम इसमें क्या अप्लाई करें। तो देखें, गवर्नमेंट के अपने एक SOPs होते हैं, अपना एक स्टैंडर्ड होता है। अब वो किस तरीके से डिवाइड करती है वो एक प्रोसीजर बता देती है, ठीक है। आपको जस्ट अप्लाई करना है अगर मुनासिब समझें तो। अब जाहिर बात है बहुत सारे लोग डिसहार्टेड होंगे जो चाह रहे होंगे कि यार हम नहीं अप्लाई करें, लेकिन बहुत सारे दोस्त ऐसे भी हैं जो कि चाहते हैं कि हम अप्लाई करें, जो चाहते हैं कि हमें अपडेट्स मिलें, क्योंकि जाहिर बात है जीमेल के ऊपर कमेंट्स तो मैं देख रहा होता हूँ, जी अपने वीडियोज के नीचे कमेंट्स तो मैं पढ़ रहा होता हूँ, अपने जो YT स्टूडियो होती है उससे मुझे सब नजर आ रहा होता है। तो इसलिए मैंने ये सोचा कि यार अपडेट लाजमी दे दूं। तो दोस्तों, लास्ट डेट इसकी बता दी गई है, कहीं ऐसा ना हो कि बाद में फिर आप लोग पछताएं कि यार हमने 12,000 के लिए अप्लाई कर देते तो बेहतर होता। अच्छा, आप लोग डिसहार्टेड इसलिए भी हो जाते हैं कि जो नए यूट्यूबर्स हैं वो आपको गलत गलत इन्फॉर्मेशन भी दे रहे होते हैं। आप उन जब गलत इन्फॉर्मेशन को जब आप क्लिक करते हैं तो उसकी वजह से आपको ज्यादा प्रॉब्लम फेस करनी पड़ जाती है, ज्यादा आपको जो है ना वो दुश्वारी का सामना करना पड़ जाता है। यानी कि जो काम नहीं भी करने वाले होते हैं, कुछ लोगों के मशवरों से आप वो काम भी कर लेते हैं। यानी कि गलत हेल्पलाइन पे कॉल करना, अब आपके पैसे का ज़िया हो गया। गलत जगहों पर जाना, ठीक है, जबकि वहां पर जाने की जरूरत ही नहीं थी। मेरे चैनल के ऊपर तमाम वीडियोज अभी स्टिल वैसी की वैसी हैं, ना मैंने कोई हाइड की है ना अनलिस्टेड की है, कुछ भी नहीं है, जाके सब देख सकते हैं। 1.5 लाख व्यूज भी आए, लेकिन कभी किसी ने ये नहीं कहा कि भाई आपने गलत फेक न्यूज हमें दी है। तो उसकी वजह यही है कि क्योंकि एक्यूरेट बात करनी चाहिए, सही बात करनी चाहिए। मेरे सब्सक्राइबर्स को, मेरे व्यूवर्स को ये बात अच्छे तरीके से पता है। जो नए हैं वो सब्सक्राइब कर लें ताकि एक्यूरेट और बिल्कुल सही इन्फॉर्मेशन आपको टाइमली मिल सके। तो अच्छा, अब मैं आपको ये बता दूं कि लास्ट डेट क्या है। लास्ट डेट बेसिकली गवर्नमेंट ने पीर की बताई है कि पीर यानी कि कल 25 तारीख को रात 11:30 पे ये पोर्टल बंद कर दिया जाएगा। कल यानी कि 11:30 पे ये पोर्टल बंद कर दिया जाएगा। आप लोगों को ऑलरेडी पता है कि इसके कुछ लोगों को पैसे पिछले हफ्ते दे दिए थे। अब गवर्नमेंट ने जो नेक्स्ट वीक आएगा उसके अंदर एहसास लेबर प्रोग्राम के भी लोगों को पैसे देना शुरू कर देगी। तो अब जो है डेट आ चुकी है, आप लोगों को डेट बता दी मैंने। तो जो लोग चाहें वो अपने आपको वहां पर जाकर रजिस्ट्रेशन करवा लें, क्योंकि कल की लास्ट डेट है। अभी मैंने अपने एक दोस्त की करवाई है तो भाई बहुत टाइम लग रहा है। जो दोस्त करना चाहते हैं वो बिला तकफुल जो है ना बिला तामुल कर दें इसके अंदर, ताकि टाइम वेस्ट ना हो। अभी तक इसके अंदर 3.9 यानी कि 39 लाख लोगों ने इसके अंदर अप्लाई किया है, जबकि 6 लाख तक की इसके अंदर 6 मिलियन तक की इसके अंदर कैपेसिटी है, यानी कि 60 लाख अफराद की, और 15 अरब रुपए जो है वो वजीर आजम के फंड के अंदर ऑलरेडी जमा हो चुके हैं। तो वो एक बड़ा अमाउंट है, ह्यूज अमाउंट है, तो जो लोगों को मिलना शुरू हो जाएगा। तो जो दोस्त मेरे चाहें वो इसमें अप्लाई कर दें, इंशाल्लाह ताला उनको बेहतर रिजल्ट ही मिलेगा। बाकी तो ये नसीब की बात है, आपको मिले पैसे या ना मिले, लेकिन अप्लाई करना जो कि हकदार है उसको चाहिए कि वो अपने हक के लिए कोशिश करे। बाकी मुझसे जो होता है मैं करता हूं, लेकिन मैं देखता हूं कि जब मैं आप लोगों के लिए आवाज उठाता हूं तो उस वीडियो के ऊपर वैसा रिस्पॉन्स नहीं मिलता जितना नॉर्मल वीडियोज के ऊपर मिल जाता है। इसलिए जो है ना बंदा डिसहार्ट हो जाता है कि यार आवाज उठाने का कोई फायदा ही नहीं है, तो इसलिए भी फिर जो है ना बंदा पीछे हो जाता है। तो बहरहाल आप लोगों का हक है 12,000 रुपए के लिए, तो आप लोग अप्लाई कर दें, इंशाल्लाह ताला आप लोगों को बेहतर रिजल्ट मिल जाएगा। अभी मैं एक और वीडियो आप लोगों के इसके बाद में अपलोड करूंगा, वो लाजमी देखिएगा। बहुत सारे दोस्त जो ना अहल हुए हैं वो अपनी गलती की वजह से ना अहल हुए हैं। बहुत सारी वीडियोज मेरी ऐसी थी जिसके अंदर मैं बता बता के थक गया, बता बता के थक गया, लेकिन दोस्तों ने उस पर अमल नहीं किया, और बहुत सारे दोस्तों ने लड़कों ने उस पर अमल भी किया और अल्हम्दुलिल्लाह उनका मसला भी सॉल्व हुआ। अब मैं आपको एक वीडियो के बाद अपलोड करूंगा और लाजमी आप लोग देखिएगा, वो एहसास कैश के हवाले से है। ये एहसास लेबर प्रोग्राम की, वो एहसास कैश के हवाले से, उसमें एहसास कैश के लोगों के मैं बताऊंगा कि आप लोगों के साथ क्या प्रॉब्लम है, और जो अहल और ना अहल का मसला है वो किससे सॉल्व होने जा रहा है वो लाजमी आप लोग देखिएगा, इंशाल्लाह ताला आप लोगों को पता चलेगा। चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कीजिएगा, इससे हम लोग मोटिवेट होते हैं कि भाई हमारे चैनल को लोग लाइक कर रहे हैं और हमें मोटिवेट कर रहे हैं।
तो ये छोटी सी रिक्वेस्ट है, इंशाल्लाह ताला आप लोगों से मुलाकात होती रहेगी अल्लाह ताला ने चाहा तो। अल्लाह ताला हम सबको अपनी हिफ्ज़ो अमान में रखे। मुझे दें इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।